इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोल रहे हैं, सीधे आपको वहां लेकर चलते हैं। कभी टेबलों पे आधुनिक चीजें लग जाती हैं, टेक्नोलॉजी का साथ कैसे लेकर के सहूलियत मिलती है, और लगातार विधानसभा में आप कुछ न कुछ नया कर रहे हैं। इधर सुना है कि बहुत शानदार गैलरी बनाई है, आपने देखी नहीं? अध्यक्ष जी, आप ही के साथ देखूंगा मैं, और मैंने जहां किया था कि आप राइट की तरफ कम देखें, लेफ्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दें। मुझे उम्मीद है गैलरी में वो बैलेंस आपने बनाया होगा। और हालांकि अध्यक्ष जी हमेशा खुश रहते हैं, कभी कभी माननीय सदस्य कुछ इमोशन में आके अपनी बात रखने की वजह से नाराज आपको कर देते हैं, लेकिन किसी भी सदस्य की आपके प्रति भावना खराब नहीं है, आपको सब अच्छा ही मानते हैं। मैं सभी का सम्मान करता हूं, थैंक यू। मुझे अच्छा लग रहा है कि सरकार के लगभग 6.5 साल पूरे हो गए हैं, और एक नारा बहुत पुराना है जिसकी सत्ता में आज सरकार है, ये दावा करते थे चाल चरित्र और चेहरा, और अब इन चार से पहचाने जाते हैं भाजपाई। पहले दावा करते थे चाल चरित्र और चेहरे से पहचान बनाने के लिए, और आज जो पहचान बन गई है वो नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई से। हमारे नेता सदन बहुत समझदार हैं, और इतने समझदार हैं कि जो चीज कोई न जान पाए ऐसी जगह कही जाए, माननीय सदस्य लोग न पढ़ पाए उस अखबार में जरूर इंटरव्यू देना चाहिए। वो बात तो मैं शुरू करूंगा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सबसे पहला इंटरव्यू सदन के बाद, सदन शुरू होने पर, एक अंग्रेजी अखबार में दिया गया और कहा गया कि हमारा गोल है कि $1 trillion इकोनॉमी बन जाएगी 2027 तक। ये बात शुरू में भी हम लोगों ने कही थी, जब सदन में हम लोगों को अध्यक्ष महोदय बोलने का मौका मिला था बजट पर, कि इतना बड़ा सपना दिखाया जा रहा है कि $1 trillion इकोनॉमी हो जाएगी। ये $1 trillion इकोनॉमी बिना किसान की मदद के कैसे संभव है, बिना एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर किए कैसे संभव है। जब इस इंटरव्यू को मैं देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि इसमें बोला कम गया है, लिख करके ज्यादा दिया गया है। ये बोलाने वाला इंटरव्यू नहीं है, चाय पी करके बस इंटरव्यू छप गया है, वो इंटरव्यू है ये। हमारे नेता सदन कहते हैं सेक्टर्स इन विच यूपी इज करेंटली डूइंग वेल, तो पूछा गया है कि कौन से सेक्टर हैं जिन सेक्टरों में उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर काम कर रहा है। जवाब मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एक्सप्रेसवेज, एयर एंड वाटरवेज। अध्यक्ष महोदय, जितने सवाल पिछली बार किए गए थे एक सवाल का जवाब नहीं मिला। कम से कम नेता सदन ये बताएंगे
कि जहां इतना इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहा है, ये वाटरवेज कहां चल रहा है, वाटरवेज में कहां व्यवस्था बना रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में वाटरवेज कहां है आपके पास, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, फ्रेट कॉरिडोर, अगर ये फ्रेट कॉरिडोर आपने बनाया होता नेता सदन, तो ये गोरखपुर होके क्यों नहीं जा रहा है, ये गोरखपुर होके भी जाता है।